दोस्तों क्या होगा अगर आप एक बीच समुंदर में फंस जाएं और वो भी समुंदर में जाने के बाद आप वहां सिर्फ अकेले हो। ऐसे में आपका अनुभव कैसा होगा? आप शायद यही सोच रहे होंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसी घटना सामने आई है जिसमें टिम शर्डॉक नाम का एक व्यक्ति फिशिंग के लिए तो निकलता है लेकिन बीच समुंदर में 2 महीने तक वो फंस जाता है, जो कि पेशे से एक ऑस्ट्रेलियन है और मेक्सिको के लापास शहर से निकले थे जिनका नाम टिम शर्डॉक है। फिशिंग बोट के दौरान ये समुद्र में 2 महीने तक भटकते रहते हैं, लेकिन बचाव कर्मी ने जब इन्हें ढूंढा तो इन्होंने बताया कि मैं 2 महीने से यहाँ फंसा हुआ था और इन उफलती लहरों में मुझे शायद पता ही नहीं था कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ उन टीम का जिन्होंने मुझे खोज निकाला और आज मैं इनके बीच में जिंदा हूँ। दोस्तों टिम शर्डॉक ने यह भी बताया कि मैं इस बीच मछलियाँ खाकर अपने आप को जिंदा रखा था, साथ ही मेरा कुत्ता भी आज हमारे बीच जिंदा है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।